हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड ब्यूटीफुल पीपल हाउ आर यू डूइंग सो अगेन आज एक नई सुबह स्टार्ट करते हैं कॉफ़ी से तो अभी मैंने थोड़ा सा दूध गर्म कर लिया है और इसमें मेरे पास नेस्ले का फ्रेंच वनीला का सैशे है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया मैं थोड़ा सा इसको स्टर करूँगी और अगर आपको थोड़ी सी और ज़्यादा इस्ट्रॉग कॉफ़ी चाहिए तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप उसको थोड़ी देर और माइक्रोवेव में रख दें थोड़े सेकंड के लिए तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपका थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है थोड़ी सी ब्रू अच्छी हो जाती है सो अगेन फ्रेंड्स मैं आज बनाई थी uh, चीज़ डीलक सैंडविचेस तो उसके लिए मैंने एक एग फ्राई कर लिया यूजली um, आप चाहें तो उसकी जर्दी को पका सकते हैं मैंने थोड़ा सा उसको रनि छोड़ा है बिकॉज मेरे बेटे को थोड़ा सा रनि पसंद है वो उसको अच्छा लगता है थोड़ा सा लिक्विड इट्स अप टू यू अगेन आप बॉयल्ड एग डाल सकते हैं उसमें थोड़ा सा मक्खन या मेयोनीज मिला के नमक काली मिर्च के साथ या आप थोड़ा सा हाफ़ फ्राई एग जो है वो डाल सकते हैं उस पर अपने तो अगेन गुरल चीज़ मैं बना रही हूँ जैसे पहले बनाती हूँ थोड़ा सा बटर लगा दिया सैंडविच के एक साइड पे उसके बाद उस पर एग रख दिया उसके बाद अब थोड़ी सी मैं मेयोनीज़ इस पर स्प्रेड कर दूँगी जस्ट लाइट मेयोनीज़ एक आती है यहाँ पर और एक रेगुलर आती है सो तो इट्स अप टू यू गाइस के आपको रेगुलर लेनी है लाइट लेनी है रेगुलर में थोड़ी सी ऑबियसली कैजीज होती हैं लाइट में आ, कम होती हैं इट्स बड़ी अंडरस्टूड तो मैंने यहाँ पे स्प्रेड कर दिया अराउंड मैंने आप कह सकते हैं वन टेबल स्पून मेो लिए यहाँ पर तो अच्छा लगता है थोड़ी सी ब्रेड आपकी सॉफ्ट हो जाती है अच्छी बनती है अब बहुत ज़्यादा ड्राई सैंडविच भी अच्छा नहीं लगता तो बहुत मज़े का बनता है अब मैंने इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है अब जी मैं इस पर चीज़ स्लाइस एक रखूँगी इसके ऊपर और यू नो दैट चीज़ मेक्स एवरीथिंग टेस्ट एंड स्मेल सो गुड तो चेहरा चीज़ का स्लाइस यूज करूँगी यहाँ पे मैं आपकी मर्जी है आप मोजरेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं श्रेडिड ले लें स्वस्ट चीज़ ले चीज लें ले। कोई भी चीज़ आप जो है वह उसमें ले सकते हैं अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला आप नहीं चाह रहे हैं चीज़ लेना तो आप उसकी उसको ओमिट भी कर सकते हैं दैट्स टोटली फाइन वन अब अगेन मैंने जो उसका क्योंकि मैं थ्री टीयर का सैंडविच बना रही हूँ तो उस पर मैंने अगेन बटर लगा रही हूँ अगर आप चाहें तो आप टू टीयर के भी बना सकते हैं आप पहले मिनीस लगा के उस पर एग रख के एक और सैंडविच ऊपर रख सकते हैं लेकिन मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा मैं ब्रेकफास्ट को थोड़ा सा हैवी करूँ तो मैं थ्री सैंडविचेस ले रही हूँ बच्चे पता है आपको अक्सर खाने के चोर होते हैं अक्सर वो यही चीज़ें कहते हैं कि हमें कुछ नहीं खाना और पूरा दिन जो है वो बस कुछ नहीं खाना और गेम खेलना है हमें और अपने वीडियो गेम्स वगैरह में लग जाते हैं तो बस यही हम लोगों की माओ का थोड़ा सा चीज़ होती है कि थोड़ा सा इस तरह की चीज़ कर दें थोड़ा सा उसको भारी कर दें खाने को कि बच्चों का पेट देर तक भरा रहे सो आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा मैं क्या करी ना एवरी डे माओ स्ट्रगल जो हमारी होती है अब मैं इसको थोड़ी देर ग्रिल कर रही हूँ ग्रिलर पर थोड़ी देर अब इसका अगेन um, आप अगर आपका सैंडविच बन नहीं हो रहा सैंडविच मेकर तो थोड़ा सा आप उसको प्रेस नहीं करें थोड़ा सा आप उसको फ्लिप करके आप कर लें टोस उसको या इवन अगर आपके पास um, ये टोस्टर अवेलेबल नहीं है तो आप इसको जो है फ्राई पैन पे भी रख सकते हैं कोई उस पर हैवी चीज़ रख दें आप उससे भी काफ़ी अच्छे मज़े के बन जाते हैं अब अगेन स्प्रेडी स्ट्रेट फॉरवर्ड बीच में से कट कर रही हूँ आप चाहें तो बच्चों को आप एक्स्ट्रा प्लेटर बना के उसके साथ आप एक्स्ट्रा मेयोनीज अगर बच्चे पसंद करते हैं या कैचअप पसंद करते हैं आप उसके साथ वो भी ऐड कर सकते हैं बहुत मजे का सैंडविच बनता है और बहुत जस्ट लाइक यू नो क्रिस्पी फ्रॉम आउटसाइड एंड गोवी फ्रॉम इनसाइड बहुत ज़्यादा ये बनता है और अगेन मैं आपको अपना हमेशा की तरह बैक भी शो कर रही हूँ ये देखिए रात को कौन कौन विजिट करने आया है <laughs> तो मच रेबट्स होते हैं रैकूनस हैं स्क्वेर हैं इस तरह की चीज़ें ही आती हैं और ख़ास तौर पर आपको पता है स्नो में ज़्यादा चीज़ें दिखती हैं फुटप्रिंट्स वगैरह अक्सर मैं लेफ़्ट ओवर ब्रेड वगैरह है कोई रोटी बासी हो गई तो अक्सर मैं ये डैग पर रख भी देती हूँ एक बाउल में करके तो वो भी अक्सर खाने आता है बर्ड्स वगैरह हैं तो अच्छी बात है सदखाई जा रही है आपको करना चाहिए पानी की तो कमी नहीं होसली बर्फ़ मेल्ट होकर पानी बन जाती है लेकिन गर्मियों में मैं इसी तरह कोशिश करती हूँ कि जो नहीं कि आपसे हो सके बेजबान है तो उनके लिए कर दें तो आप लोग भी करा करें कि एक थोड़े से प्याले में या किसी प्लास्टिक के बाउल में कि वो ज़्यादा गर्म भी ना हो धूप से स्टील का स्पेशली गर्मियों में पानी भर के रख दें तो एक अच्छा जैशर होता है ये भी अल्लाह की मखलों का सारे परिंदे ये भी दुआ ही देता है आपको तो आज मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा छोले का सालन बना लूँ मैंने रात को आलू उबाले थे थोड़े से तो उसमें मैंने क्या मैं शामिल कर दूँ अलग से भी जब लोग हलवा पूरी बनाते हैं तो आलू की सब्जी अलग बनाते हैं कलौजी डाल के बहुत मजे की वो येलो येलो सी होती है और छोले अलग बनाते हैं इसका सालन थोड़ा सा ब्राउन कलर का होता है लेकिन मैं दोनों को साथ ही ऐड कर दिया है ये मेरे पास है इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर इट्स कॉल्ड इंस्टा पॉट जो लोग बाहर रह रहे हैं उनको पता होगा ये इजीली यहाँ पे अवेलेबल है और काफ़ी इसने जो है वो लाइफ ईजी कर दी है हम सब की मैंने यहाँ पर अपने बेसिक से मसाले शामिल कर दिए हैं कुटा हुआ आम, लाल मिर्च कुटी हुई लाल मिर्च नमक हल्दी और प्लेन लाल मिर्च पाउडर और थोड़ सा पावडर, पावडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर थोड़ा सा गरम मसाला ये सब चीज़ें अगर आप चाहें तो ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला निकाल सकते हैं ओमिट कर सकते हैं और उसके बाद थोड़ा सा टमाटर शामिल कर दिए उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के जब मैंने इसमें छोले ऐड किए थे तो फिर मैंने उसका जो छोले का पानी था वो फेंका नहीं था क्योंकि बेसिकली सारा जूसी उसका मज़ा फ्लेवर उसमें होता तो मैंने वो सारा उसका पानी भी डाल दिया था और ऊपर से एक और कप पानी का ऐड कर दिया था अच्छा जी टिम होटल से थोड़ा सा डोनर्स मंगवाए थे यहाँ पे फेमस है बहुत पॉपुलर है टेम होटल तो वो एक ही बचा है पता है आपको बच्चों का घर होता तो पे है तो यहाँ पर यही चीज़ें होती हैं तो काफ़ी मज़े के डोनर्स होते हैं इन लोग आए अंदर तो मैं आप लोगों को ज़रूर खिलाऊँगी अच्छा जी अब मैं प्रिप्रेशन कर रही हूँ आमलेट की तो अगेन ये चीज़ें होती हैं कि अगर आप चाहते हैं करना कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप थोड़ी सी ज़्यादा बना के रखें जैसे घर में सब लोग उठने वाले थे छुट्टी का दिन था तो मैं थोड़ी सी बड़ी साइज़ की प्याज़ लेके अच्छा ये रेड अनियन यूज़ कर रही हूँ मैं ऑमलेट में यूजली जो कुकिंग है उसमें हम लोग येलो अनियन यूज़ करते हैं इसका आप लोग भी ट्राई करिएगा टोटली मज़ा डिफरेंट होता है ना उसका इस्पेली अगर आप अनियंस को एक सर्टन टाइप से काटते हैं तो उसका भी मज़ा बिल्कुल निकल अलग आता है निकल के जैसे हम अक्सर लच्छे वगैरह जैसे कबाब वगैरह खाते हैं तो उसमें पतली पतली बारीक लच्छेदार प्याज काटते हैं उसका मज़ा बिल्कुल अलग है जो हम लोग जूलियन कटिंग करते हैं उसका मज़ा बिल्कुल अलग है तो हर तरह की प्याज का स्पेशली ग्राइंड होके प्याज जब हम अक्सर ग्राइंड कर लेते हैं ग्रेवी के लिए प्याज और टमाटर को उसका मज़ा टोटली डिफरेंट होता है तो ये है थोड़ी सी मैंने थोड़ा सा आमलेट में ट्विस्ट करने के लिए बिकॉज़ हम लोग वो एक जो हम लोग को टिपिकली हरी मिर्चें प्याज और टमाटर खाते हैं तो ये भी बहुत मज़े का लगता है अगर आप इसमें कैप्सिकम या ग्रीन बेल पेपर ऐड कर दें तो इससे भी काफ़ी मज़ा आता है इसमें बहुत मज़े का बनता है और अगर आपके पास डिफरेंट कलर्स की हैं जैसे मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थी जैसे ऑरेंज येलो रेड कलर्स में भी अवेलेबल हैं बेल पेपर्स तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो तो काफ़ी आपका अच्छा सा जो है वो ऑमलेट रेडी होता है मैंने अमेजोन से ये ऑर्डर किया था इलेक्ट्रिक चॉपर आप कह लें उसको तो क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम लगता था बारीक बारीक काटने में और इस्पेशली आमलेट में जो है वो बहुत मोटा मोटा अगर प्याज मूँग में आया चीज़ें आए तो अच्छी भी नहीं लगती तो बहुत अच्छा लगता है कि हर चीज़ जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो बारी कटी हुई हो तो ऑब्वियसली कहा टाइम कंज्यूमिंग भी होती है और स्पेशली इन दिस बिज़ी लाइफ एंड स्पेशली इन द मॉम्स लाइफ जहाँ आपको बच्चे भी खुद छोड़ने ग्रॉसरी भी खुद करनी है घर के काम भी ख़ुद करने तो उसमें आपको ऑब्वियसली पता है कि टाइम आपको बचाना पड़ता है वरना वक्त तो इतनी तेज़ी से गुजरता है कि आप कहते हैं कि उम्र कुटिन फिर रात हो गई अभी फिर दूसरे दिन की तैयारी करो तो इसकी सबसे अच्छी बात यह है चॉपर की कि इलेक्ट्रिक है और इसकी अच्छी बात यह कि इसके यू एस बार्जर इसके साथ आता है आप इसकी मोटर को चार्ज कर लेंगे तो ये बड़ा कप है इसका तो ये तो उसका बड़ा कप भी खैर छोटा लगा इसका एक, एक छोटा साइज़ का भी है तो उसमें इवन ये लिखा है कि मीट वग़ैरह भी आप ग्राइंड कर सकते हैं सो नॉट बैड अगर आपको कोई चीज़ छोटी बनानी है या कम क्वान्टिटी में बनानी है तो आप इसमें पीस सकते हैं तो ये चीज़ की मोटर है ऊपर की पहले हमने ब्लेड वगैरह लगा लिया है अच्छा मैं खुद कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा इसको ओवर क्राउडेड ना करूँ मशीन को क्योंकि छोटी सी है ओबियसली कितनी बिचाई जान लगाएगी लेकिन बहुत अच्छी है ब्लेड बहुत अच्छा नाइस है और एक विद इन अ फ्यू सेकेंड्स जो है वो बिल्कुल उसको बिल्कुल ग्राइंड कर देता है इट्स वेरी गुड फॉर चटनी एंड इस हरी चटनी बनानी है आपको रायता बनाना है तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है और अभी भी देखें इसने पूरा उसको बहुत अच्छी तरह चॉप करा है अगर मैं इसमें थोड़ा सा ऑब्वियसली पानी ऐड कर देती है लेमन जूस वगैरह चटनी वगैरह के लिए तो उसको बिल्कुल वो ग्राइंड भी कर देता लेकिन काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस इसका है रिज़ल्ट अच्छा है इसके साथ इसका एक ग्रीन कलर का स्पून भी इसके सेट के साथ था तो ऑब्वियसली मैं यही कोशिश करती हूँ आप हैक समझ लें कि बस सारे मसाला और सारा जो सामान है स्पेशली आमलेट का वो काट के रख लेती लिया एक जगह तो बाकी इसको मिक्स कर दिया अच्छी तरह से बाकी ठंडा ना हो आमलेट ऑब्वियसली जो जो उठता जाए वा वो एक स्पून या दो स्पून डिपेंडस हमें नहीं जो उठेगी तो उसमें मसाला वगैरह डाल के तो आपका झटपट जो है वो आमलेट रेडी हो जाता है टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में भी यही होता है कि फूड पैप वगैरह आप लोगों को पता है कि होती है चीज़ें अगर काट के रख दो तो काफ़ी आसानी हो जाती है तो फिर भी जो है वो बहुत मेहनत का काम है हर सारे काम ही मेहनत के हैं इस्पेली किचन में जो जो काम करता है लेडीज़ हैं जेंट्स हैं सारे, सारे सब बेचारे बहुत मेहनत करते हैं इट्स नॉट ईजी यू नो आपको दिल लगना चाहिए खाना पकाने में ताकि उसमें मज़ा भी आए वरना अगर आप बद से खाना बनाते हैं या मुँह बना के बनाते दो तो फिर खाना मजे का बनता भी नहीं है तो अब ये देखिए इतनी फाइन चॉप हुई है ग्रीन अनियन सॉरी ग्रीन पेपर बहुत अच्छी फाइन चॉप हुई है तो उसके साथ ही मैंने क्योंकि जगह इसमें काफ़ी थी तो फिर मैंने इसके साथ जो ग्रीन बेल पेपर भी ऐड कर दी है और तो विद इन अ फ्यू सेकेंड्स तो मुझे इतनी खुशी होती है मैंने कभी मैं उसको बारीक बारीक बारी काट रही होती हूँ फिर मिर्चों का भी ये होता है कि हाथ में मिर्चें लग जाती हैं कभी स्मेल भी आ जाती, जाती है वो जाती नहीं है स्पेशली आप हैंडल कर रहे हैं अनियन को तो स्पेशली मेरी तो आँखों में बहुत ही मिर्चें लगती हैं तो अगेन फ्रेंड्स किसी ने मुझे हैक बताया था कि अगर आप एक टिश्यू पेपर को गीला करके रख लें प्याज काटते हुए चॉपिंग बोर्ड पे ही मैंने एक ग्लास में पानी रख लें क्योंकि जो प्याज है वो अट्रैक्ट करती है नमी को मॉइस्चर को तो ऑबसली यू हैव वाटर इन योर आइज राइट तो सबसे पहले वो, वो वाटर पे जाता है ये स्पेशली आप अपने चॉपिंग बोर्ड के नीचे कोई गीला टिश्यू पेपर या टावल रख लें गीला करके तो मैंने ट्राई किया था ये वर्क किया था लेकिन अभी तो फिलहाल पता है आपको जल्दी जल्दी में हूँ मैं तो अभी मैंने नहीं रखा है तो आप लोग बिलीव नहीं करेंगे एक दफ़ा मैं ज़्यादा प्याज काट के रख रही थी तो आ, मैंने इवन सेफ्टी ग्लासेस जो ट्रांसपेरेंट होते हैं वो लगा लिए थे लेकिन उसके बाद भी मुझे बहुत ज़्यादा आइस पे जो थी वो हो रही थी तो कुछ लोग कहते हैं प्याज को भिगो भी लें आप आ, पानी में थोड़ी देर के लिए तो उससे भी उसकी तेज़ी ख़त्म हो जाती है तो अब जी छोटा छोटा सामान सब पिस चुका है प्याज की बारी है अगेन इसकी भी मैंने जो है वो छोटे पीसेस कर लिए हैं बड़े पीसेस में टाइम लगता है तो मैं भी नहीं चाह रही कि ब्लेड एस्ट्राक हो जाए या कुछ, कुछ हो जाए क्योंकि इतनी नन्ना मुन्ना से तो बेचारी है। ब्लेड है वो भी इतना हैवी काम को हमारा कर रहा है झटपट खत्म कर रहा है काम तो बेचारे के साथ हमें भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए ना ब्लेड का भी तो बारीक बारीक मैंने काट लिया ये और अगेन फ्रेंड्स ऊपर स्का पार्ट लगा के बहुत अच्छा ग्रैंड हो जाता है मैं रिकमेंड करूँगी आप लोग भी ट्राई करें इसको अमेजोन से या आपको जहाँ मिले काफ़ी आजकल तो आप लोगों को पता है टेक्नोलॉजी ने जो है वो लाइफ इजी कर दी है जस्ट वन ड्रॉबैक फॉर दिस वन इसके मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा इसका जो बाउल है वो बड़ा होता साइज़ का मुझे आई अंडरस्टैंड कि फिर बड़ा वाली फूड फैक्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है लेकिन आई वॉज एक्सपेक्टिंग बिगड़ बाउल बट इट्स ओके आई डोट माइंड इट्स लाइक कॉम्पैक्ट इट्स मिनी पोर्टेबल तो अब फ्रेंड्स हमारी सब चीज़ें जो हैं वो पिस गई हैं और इट्स गुड टू गो अगेन जो है वह बहुत मजे का बनता है आप लोग चाहें तो प्याज और टमाटर काट के वैसे भी खाने पीने के लिए रख सकते हैं अच्छा जी यहाँ पे हमने प्रेशर कुक किया था फॉर अबाउट फिफ्टीन मिनट्स तो प्रेशर कुक हो गया अच्छा इसका एक हैक ये भी है कि जब आप अपने छोले की सब्ज़ी बनाएं तो उसमें जैसे आप देख रहे हैं एक पत्ती का शाइशे भी जो भी पत्ती घर में आपके आती है हम लोग के यहाँ तो साइशेज आते हैं पत्ती के तो अगर आपके पास खुली पत्ती भी है तो किसी मलमल के कपड़े में या किसी टी स्ट्रेनर में या जो चाय के मिलते हैं ग्रीन टी वगैरह के तो उसमें भी आप डाल के इसमें डाल के छोड़ सकती हैं तो उससे ये होता है कि बड़ा अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाता है तो मैं इसको ऐड करी थी मेरे हस्बैंड मजला लाइक ये तुम क्या कर रही हो तो तुम्हें पता है चाय नहीं है ये छोले की सब्जी है एंड आई आम नाइए मैंने कहीं देखा था तो उसके बाद इसका काफ़ी एक अलग सा मजा आता है बहुत मजे की बनी थी अच्छा जी अब आप लोग देख रहे हैं कि ग्रेवी काफ़ी रनी हो रही है सो ओबियसली इट नीड्स अ लिटल बिट थिकनेस समथिंग टू माइंड इट तो अभी मैंने कॉर्न स्टार्च लिया है अच्छा अगेन फ्रेंड्स कॉर्न स्टार्च और कॉर्न फ्लावर टोटली डिफरेंट चीज़ें कॉर्न फ्लावर जो है वो मकई का आटे को कहते हैं और कॉर्न स्टार्च जो है वो उसका स्टार्च है तो टोटली totally डिफरेंट है ये ना तो यूजुअली खाने में हम लोग कॉर्न स्टार्च यूज करते हैं और कॉर्न फ्लावर बिल्कुल थोड़ा सा मोटा ग्राइंड हुआ हुआ होता है कॉर्न स्टार्च थोड़ा सा पतला होता है बारीक होता है आप लोग इस पर जो है वो काफ़ी <laughs> इसकी डिटेल्ड है तो आप लोग सर्च कर सकते हैं गूगल पे जाके कि वॉज अ डिफरेंस बिटवीन कॉर्न स्टार्च एंड कॉर्न फ्लावर एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवर देयर सो या सो कुछ चीज़ें खुद भी रिसर्च करें <laughs> मुझे भी याद नहीं आ रहा पर मुझे ये पता है कि यूजली सूप वग़ैरह में और चीज़ें वो थिक करने में हम लोग जो है स्टार्च ही जो है वो यूज़ करते हैं तो अगेन फ्रेंड्स कोशिश करें थोड़ा सा गर्म पानी में इसको डिज़ोल्व करें और ताकि लम्ब़ वगैरह ना हो ठंडे पानी में भी कर सकते हैं सो के बट मैं प्रीफर करती हूँ थोड़ा गर्म पानी उससे थोड़ा अच्छा सा उसका जो है वो जल्दी लम्स उसके डिज़ोल्व हो जाते हैं सारे और टेक योर टाइम कोशिश करें अच्छी तरह से इसको लिक्विड पूरा फॉर्म में बना के ही आप ऐड करें अपने सालन में ऐसा तो नहीं हो कि कोई लम्ब हो लम्स चला जाए तो पता चला मुँह में वो एक <laughs> स्टोन सा बन के मुँह में आ रहा है सो दैट्स ऑल्सो नॉट नाइस तो अगेन अच्छी तरह से मैं इसको कर रही हूँ को ज़्यादा ही अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ आई एम टेकिंग माई टाइम अच्छा जी अब इसको हम जो है इंस्टा पॉट में ऐड कर देंगे अब मैंने उसको प्रेशर कुक से हटा के इसको मैंने जो है वो नॉर्मल लगा दिया था सिमर होने के लिए कुक पे तो ऑबली पकते पकते वो अब आप देखेंगे विद इन अ फ्यू सेकेंड जो है वो ये कंसिस्टेंसी uh, अपनी जो है वो चेंज कर लेगा गाढ़ा हो जाएगा ठीक हो जाएगा बस हमें मुश्किल से पाँच दस मिनट इसको थोड़ा सा और पकाना है और हमारी जो है वो छोले का सालन रेडी है पूरी से खा सकते हैं पराठे से खा सकते हैं रोटी से खा सकते हैं मैंने तो उसके साथ जो है वो अपनी रोटियाँ बनाई थी तो और इन शाला उसकी भी मैं रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी तो काफ़ी अच्छा था अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लें और आप देखेंगे कि इसके जो है बबल्स स्टार्ट हो गए हैं आना उसको अच्छा फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि मैं इसको हरा धनिए को धो के अच्छी तरह से जो है वो चॉप करके रख लेती हूँ फ्रीज़र में तो काफ़ी अच्छा होता है वरना तो अगर आप नॉर्मल अपने बैग में बाउल में फ्रिज में रखते हैं तो वो पानी छोड़ देता है और ख़राब हो जाता है तो ये काफ़ी अच्छा हम लोगों के साथ ये रहता है कि इसको फ्रीज करके बारीक काट के रख लेते हैं और स्टैम्प्स भी काटा करें फ्रेंड्स स्टैम्प्स में भी काफ़ी जो है फ्लेवर होता है फेंका नहीं करें और बस हमारा छोले का सालन रेडी है Or uh, we'll see you in the next video. Take care. Bye bye.